नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बबीताज टिप्स में पुनः स्वागत है। दशहरा और विजयादशमी या नवरात्रि, क्या ये एक ही है या अलग अलग? आइए आज हम दशहरा और विजयादशमी के अंतर को जानें, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर आप दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें तथा मेरे आगे की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। दशहरा और विजयादशमी में अंतर। हमारे देश में त्योहारों का विशेष महत्व है। दशहरा और विजयादशमी दोनों ही हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि दोनों ही त्यौहार एक ही दिन पड़ते हैं, अतः कई लोग इन्हें एक ही समझ बैठते हैं। शायद ऐसा इसलिए भी है कि दोनों ही त्यौहार 10 दिनों तक मनाए जाते हैं और 10वें दिन इनका समापन होता है और दोनों ही त्यौहार एक ही साथ पड़ते हैं। दशहरा और विजयादशमी भले ही एक साथ पड़ते हैं, किंतु दोनों के मनाने की वजह एकदम अलग अलग है और दोनों के मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। दशहरा। सबसे पहले हम यह जानें कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। दशहरा उत्तर भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दशहरा हर वर्ष आश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अंग्रेजी महीने के अनुसार यह हर वर्ष सामान्यतः अक्टूबर में होता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास काल में दानवराज लंकापति रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया था। अपनी पत्नी देवी सीता को दुष्ट रावण के बंधन से मुक्त करने के लिए श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। 9 दिन भयंकर युद्ध हुआ। मास की 10वीं तिथि को अधर्मी रावण को श्री राम के हाथों मृत्यु लोक की प्राप्ति हुई। इसी अधर्म की हार और धर्म की जीत के उपलक्ष में हर साल दशहरा मनाया जाता है। अत्यंत पराक्रमी 10 सर वाले रावण की हार के कारण इस त्यौहार का नाम दशहरा पड़ा। दशहरा 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। 10वें दिन कई स्थानों पर रावण और मेघनाथ के विशाल पुतले बनाए जाते हैं तथा श्री राम के द्वारा इन पुतलों का वध किया जाता है। जगह जगह मेलों का आयोजन भी किया जाता है। विजयादशमी। अब हम अपने दूसरे अंक विजयादशमी का विश्लेषण करेंगे। विजयादशमी भी हिंदुओं का एक अति महत्वपूर्ण त्यौहार है। विजयादशमी और दशहरा दोनों की तिथि एक ही होती है, यानी दोनों ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह भी 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। इसमें शुरू के 9 दिनों को नवरात्र के दिन को विजयादशमी कहते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बहुत ही अधर्मी असुर राजा महिषासुर हुआ करता था। जिसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात उसने अत्यंत पराक्रमिक शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से देवता समेत कोई भी उसे मार नहीं सकता था। अपनी इसी क्षमता और शक्तियों के बल पर उसने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। समस्त पृथ्वी लोक पर भी उसी का अधिकार चलता था। लोग उसके अत्याचार से त्राहि त्राहि कर रहे थे। आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अन्य देवताओं की सहायता से अत्याचारी महिषासुर का अंत करने के लिए एक शक्ति की रचना की। शक्ति का नाम देवी दुर्गा पड़ा। देवी दुर्गा में सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थी। माँ दुर्गा और महिषासुर में 9 दिन तक लगातार भयंकर युद्ध होने के पश्चात 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक और अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इसी जीत के उपलक्ष्य में हर साल देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और इस त्यौहार को विजयादशमी कहा जाता है। विजयादशमी में पूरे 10 दिनों तक त्यौहार मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए कलश स्थापना की जाती है तथा जगह जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। शुरू के 9 दिनों तक देवी की पूजा की जाती है तथा 10वें दिन उन मूर्तियों का किसी नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। इसमें लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। विजयादशमी को शक्ति पूजा भी कहते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि प्रभु राम ने भी रावण वध करने के पहले शक्ति की पूजा की थी और उनसे आशीर्वाद लिया था। दशहरा और विजयादशमी दोनों ही त्योहारों का मुख्य उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत या असत्य पर सत्य की विजय है। दोनों ही त्योहारों द्वारा हम अपने मन की बुराइयों को निकाल कर अच्छाइयों को अपनाने का प्रयास करते हैं। पूरे 10 दिनों तक वातावरण भक्तिमय रहता है, इससे मन पावन और निर्मल हो जाता है। मुझे धन्यवाद।